उत्तरायण की इचकी यानी कि इच्छा के नाम से मशहूर टीना दत्ता पहुंच गई हैं लालबाग। जी हां, लालबाग के राजा के दर्शन के लिए। और पहुंचते ही देखिए कितना उत्साह दिखा रही है, क्योंकि मुंबई की तेज बारिश में जगह जगह पानी भराव होने के कारण वो करीब करीब 5-5.5 घंटे के बाद बप्पा के दर्शन के लिए पहुंची है। 10:30 बजे हमने सोचा था 1 घंटे का ही सफर है मालाड टू लालबाग्चा राजा दर्शन करने के लिए। हम 10:30 बजे निकले हैं और अभी 3 बजे यहाँ पे पहुँचे लालबाग्चा बप्पा की दर्शन करने के लिए। तो डेफिनेटली वो ऐसे लगता नहीं कि 5 घंटा सफ़र करके आए हैं, बहुत तकलीफ़ है और ये सब, क्योंकि जब बप्पा को देखो ना तो इतना दिल पे सुकून मिलता है। और हर साल हम आते हैं बप्पा की दर्शन करने के लिए और इस साल भी आए हैं और बप्पा इतने अच्छे से श्रृंगार करके तैयार होके बैठे, उनको देख के दिल खुश हो जाता है। और जैसे आप पीछे देख रहे हैं कि मुंबई में आज बहुत तेज बारिश है, लाइक पूरी मुंबई आज पानी के नीचे है। 3 बार मुझे अलग अलग रास्ता बदल के आना पड़ा, बिकॉज पूरे गाड़ी में पानी घुस रहा था। मेरे गाड़ी में इंडिकेटर्स चल रहे थे कि अब नहीं जा सकता गाड़ी, बट फिर भी कैसे भी करके मेरे दिल में ऐसा था कि आज तो बप्पा का दर्शन करना ही है कैसे भी करके। और बप्पा का आशीर्वाद था कि आज हम फाइनली पहुंच गए उनके दर्शन में। गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। बप्पा के द्वार जाकर लालबाग के राजा के चरणों में सिर झुकाने को मिले तो इसे बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हैं सारे भक्त। टीना दत्ता और उसके परिवार वाले भी कुछ ऐसा ही मान रहे हैं। बहुत बढ़िया दर्शन हुआ, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। मम्मी और मेरी बहन को भी बहुत मन था दर्शन करने का, दोनों साथ में आए हैं और उन दोनों को भी बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। जैसे आप देख रहे पूरे बप्पा का पैर छू के हम आशीर्वाद ले पाए, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। तो हम सबके माथे में जो इतने बप्पा का आशीर्वाद लगा हुआ है उससे ही आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया दर्शन हुआ। थैंक यू सो मच ABP फॉर द अमेजिंग दर्शन, थैंक यू। लालबाग के राजा के दर्शन करके टीना बहुत खुश हो रही थी, सास बहुर साजिश का शुक्रिया अदा कर रही थी। साथ ही साथ लालबाग्चा राजा के गणेश पंडाल में जो बारिश में फंसे हुए लोगों की मदद हो रही थी उसकी भी खूब तारीफ कर रही थी। जी हाँ, यहाँ पर बारिश में फंसे लोगों के लिए नाश्ता, खाना, चाय, पानी और रहने की सारी सुविधा उपलब्ध है। कल से मुंबई में बारिश शुरू है, आज बहुत ही बारिश हो चुकी है मुंबई में। अभी बहुत सारे लोग सुबह काम पे आए थे और वो हर जगह जगह पे फंस गए हैं। यहाँ जो लोग फंसे हैं और भाविक लोग भी दर्शन को चालू है, तो हम लालबाग के राजा के मंडल की तरफ से यहाँ पूरा चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था की है। और जो लोगों को यहाँ रुकना है, ट्रेन तो सब बंद है ऐसी हमें मालूम है, उनके रहने की भी हमारे मंडप में व्यवस्था की गई है। मुंबई से स्नेहा शर्मा मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।